नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम और मैं हूं नफीसा खान और स्वागत करते हैं आपका हमारे खास शो अतीत के पन्नों से। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, माँ दुर्गा के नौ रूपों का क्या महत्व है। नवरात्रि में माता के नौ रूपों की पूजा होती है, जिनमें से एक है माता चंद्रघंटा। सबसे पहले हम आपको माँ चंद्रघंटा के स्वरूप के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि माँ की पूजा करने से किस प्रकार सभी जीवों को पापों से मुक्ति मिल जाती है। माँ चंद्रघंटा भक्तों के कष्ट का निवारण शीघ्र ही कर देती हैं। इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों की प्रेत बाधा से रक्षा करती है। इनका ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि निनादित हो उठती है। माँ का स्वरूप अत्यंत सौम्यता एवं शांति से परिपूर्ण रहता है। इनकी आराधना से वीरता, निर्भयता के साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का विकास होकर मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति गुण की वृद्धि हो जाती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। माँ का ये स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं, जिनमें खड़ग शस्त्र तथा बाण आदि अस्त्र विभूषित हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए तैयार रहने वाली होती है। माँ चंद्र घंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं दूर हो जाते हैं। अब सवाल ये भी आता है कि आखिर माता को खुश करने के लिए पूजा की कौन सी विधि का चयन करना चाहिए। हम आपको इसकी जानकारी अपने इसी अध्याय में देंगे और ये भी बताएंगे कि माता का वो कौन सा मंत्र है जिसके उच्चारण से बड़ी बड़ी बाधा भी इंसान को बोने लगने लगती है। माँ चंद्रघंटा के भक्त और उपासक जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं। माँ के आराधक के शरीर से दिव्य प्रकाश युक्त परमाणुओं का अदृश्य विकिरण होता रहता है। ये दिव्य क्रिया साधारण चक्षुओं से दिखाई नहीं देती, किंतु साधक और उसके संपर्क में आने वाले लोग इस बात का अनुभव भली भांति करते रहते हैं। हमें अपने मन, वचन, कर्म एवं काया को विहित विधि विधान के अनुसार पूर्णता परिशुद्ध एवं पवित्र होकर माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर होना चाहिए। उनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से विमुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखते हुए साधना की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करना चाहिए। माता की चौकी यानी बाजौट पर माता चंद्रघंटा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल या गौमूत्र से शुद्धिकरण करें। चौकी पर चांदी, तांबे या मिट्टी के घड़े में जल भरकर उस पर नारियल रखकर कलश स्थापना करें। इसके बाद पूजन का संकल्प लें और वैदिक एवं सप्तशती मंत्रों द्वारा माँ चंद्रघंटा सहित समस्त स्थापित देवताओं का षोडशोपचार पूजा करें। इसमें आवाहन, आसन, पद्म, अर्ध्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दुर्वा, बेलपत्र, आभूषण, पुष्पहार, सुगंधित द्रव्य, धूप दीप, नैवेद्य, फल, पान, दक्षिणा, आरती, प्रदक्षिणा, मंत्र पुष्पांजलि आदि करें। तत्पश्चात प्रसाद वितरण कर पूजन संपन्न करें। जैसा कि हमने कहा था कि माता के हर रूप के पीछे कोई न कोई कथा छुपी होती है, अब माता के इस चंद्रघंटा रूप की पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। जिन लोगों को आध्यात्म का ज्ञान कम होता है, उन लोगों के मन में ये भी सवाल उठता है कि आखिर माता का नाम चंद्रघंटा कैसे पड़ा, तो आइए जानते हैं। इन देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए इन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। इनके शरीर का रंग सोने के समान तथा 10 हाथों वाला है। इन हाथों में खड़ग,
अस्त्र शस्त्र और कमंडल विद्यमान हैं। ये सभी जानते हैं कि माता चंद्रघंटा का ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी और सदगति देने वाला है। इस दिन सांवले रंग की ऐसी विवाहित महिला जिसके चेहरे पर तेज हो उसको बुलाकर उनका पूजन करना चाहिए। भोजन में दही और हलवा खिलाएं, भेंट में कलश और मंदिर की घंटी भेंट करनी चाहिए। इस दिन ओम चंद्र घंटाए नमः मंत्र का जप करने के उपरांत भोग लगाने के बाद कर्पूर आरती करनी चाहिए। धरातल पर युगों से परम शक्ति ईश्वर के दर्शन की लालसा चली आ रही है। यहाँ समृद्ध परंपराएं इस बात की गवाह हैं कि यहाँ मानवता व धर्म की रक्षा हेतु ईश्वरीय शक्ति का किसी न किसी रूप में अवतार होता रहता है। दैत्यों के संहार और अनित व अनाचार को हटाने हेतु ही माँ दुर्गा नव रूपों में प्रकट हुई है, जिसमें माँ दुर्गा के तृतीय मूर्ति को चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। तो आज हमने आपको माता के तीसरे रूप यानी कि चंद्रघंटा के बारे में बताया, पूजा विधि के बारे में बताया और कैसे आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं, ये सारी विधियाँ बताई। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल जीवन कोश को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।